राजधानी भोपाल से खबर है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानियां रखने के साथ साथ नियमों का पालन करने की अपील की। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। कोरोना वायरस ने एक अभूतपूर्व संकट मानवता के सामने खड़ा कर दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते संकट को पहचाना और इस संकट से बचने के आवश्यक सभी प्रबंध किए। उन्होंने लॉकडाउन करने का ऐतिहासिक फैसला किया। पिछले 3.5 महीने में हमने भी आपके साथ मिलकर कोरोना वायरस के नियंत्रण में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर संभव उपाय किए, लॉकडाउन का बेहतर पालन हुआ। इसलिए वायरस का संक्रमण नियंत्रित कर पाने में एक हद तक हम सफल हो पाए। मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य प्रांतों से काफी बेहतर है, लेकिन लॉकडाउन अनंत काल तक नहीं चल सकता। आखिर जिंदगी को भी चलना है, इसलिए आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करनी पड़ी। लॉकडाउन से देश अनलॉक की तरफ बढ़ा, लेकिन ऐसा लगा कि अनलॉक होते ही हम असावधान हो गए, हमने आवश्यक सावधानियों का पालन नहीं किया। बाहर सड़कों पर भीड़ निकलने लगी, बाजारों में अनियंत्रित भीड़ निकली, घरों में कार्यक्रमों के आयोजन होने लगे, कुछ जगह पार्टियां शुरू हो गई, वैवाहिक कार्यक्रमों में तय थी सीमा कि दोनों पक्ष के मिला के 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन भावी संख्या बढ़ी। कई बार एक ही घर में, एक ही कमरे में कई लोगों के सोने के कारण संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी। कई मित्रों ने मास्क नहीं पहने, फिजिकल डिस्टेंस नहीं रखा, और इसलिए जून तक मध्य प्रदेश में नियंत्रित कोरोना जुलाई में फिर बढ़ने लगा। जुलाई में बढ़ने के जो आंकड़े, वो मेरे बहनों और भाइयों चिंता का विषय है। हमको इस संक्रमण को ही रोकना पड़ेगा, इसलिए कई जगह फिर से लॉकडाउन किया। मुरैना, ग्वालियर, सिरोन, नसलागंज जैसे कई कस्बे हमको फिर से बंद करने पड़े, नगर हमको बंद करने पड़े, क्योंकि संक्रमण की चेन तोड़ने का एक ही उपाय है, लॉकडाउन, दूरियां बढ़ा दो, या तो हम सावधानियां रखें, और सावधानी नहीं रखेंगे तो अनलॉक से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ता है। अपनी राजधानी भोपाल में भी 24 जुलाई को रात 8 बजे से लेके 4 अगस्त के सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का फैसला किया गया है। यह फैसला जनता की जिंदगी बचाने का फैसला है। लॉकडाउन के दौरान दूध, दवाइयां, सब्जी इत्यादि की व्यवस्था की जाती रहेगी, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, यह लॉकडाउन आपके लिए है, आप इसकी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए। और कोई उपाय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, और यह भी सही है कि हम अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक जारी नहीं रख सकते। अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है, लंबा बंद चल नहीं सकता,
और इसलिए जरूरी है कि हम सावधानियां सतर्कता लगातार जारी रखें। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, बाहर अनावश्यक रूप से बिल्कुल ना निकलें। जिन शहरों में प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है वो भी अनावश्यक रूप से ना निकलें। आयोजन, पार्टी, बाजार की भीड़, इससे हमको बचना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, 15 अगस्त का कार्यक्रम भी हमने सब जिलों में करना समारोह पूर्वक निरस्त कर दिया है। इस बार मंत्री हर जिले में नहीं जाएंगे, लाल परेड पर सीमित संख्या में ध्वजारोहण होगा, मंत्री भी सब यहीं रहेंगे, बाकी सब जगह कार्यालयों में बिना ज्यादा संख्या के ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। हम गणेश उत्सव नहीं कर रहे हैं चौराहों पे, सड़कों पे समारोह पूर्वक, ताजिए ना निकले, बाकी धार्मिक उत्सव भी ना हो, घरों में करें, स्वतंत्रता है, आजादी है, लेकिन बाहर नहीं, क्योंकि इसके बिना हम संक्रमण को रोक नहीं पाएंगे, और एक सीमा से ज्यादा हो गया तो भारी नुकसान करेगा। इसलिए मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, कहीं भी अनावश्यक नहीं निकले। लॉकडाउन जहां है वहां तो निकलने नहीं है, जहां नहीं है वहां भीड़ से बचें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, फेस कवर मास्क चेहरे पर लगाए रखें, सावधानी में ही सुरक्षा है। और ये सावधानी हमने रखी तो हम कोरोना के संक्रमण को रोक देंगे, कोरोना को पराजित कर देंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी प्रार्थना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब सुखी हो, आप सबका मंगल हो, आप सब निरोग रहें, आप सबका कल्याण हो, यही मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए भोपाल से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।